आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोलंबो में आतंकवादियों ने किए सिलसिलेवार बम धमाके, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा, अगर पाकिस्तान पायलट अभिनंदन को नहीं वापस करता तो वह कत्ल की रात होती। और भोपाल में दिग्विजय सिंह ने किया विजन डॉक्यूमेंट जारी, बीजेपी ने कहा यह है कांग्रेस का फेक पत्र। साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान, कहा मैं ढांचा तोड़ने गई थी, मैं राम मंदिर बनाने भी जाऊंगी। और प्रदर्शनी राजेश सिंधिया ने मन से किया ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने प्यार का इजहार, कविता में कही अपनी बात। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में ईसाइयों को निशाना बनाया गया। यहां के सबसे बड़े शहर कोलंबो में रविवार सुबह से दोपहर तक सीरियल ब्लास्ट हुए। कोलंबो के 3 बड़े चर्च और 3 होटलों में हुए इन धमाकों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 35 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे आतंकी हमला बताया गया है, जिसके तार एक इस्लामिक आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने भी हालत पर नजर बनाए रखने के लिए अपने लोगों को अलर्ट कर दिया है। श्रीलंका ने जांच में भारत की मदद लेने का फैसला किया है। आतंकवादियों ने कोलंबो के 3 चर्चों और 3 बड़े होटलों को निशाना बनाया। पहला धमाका शंगरीला होटल में हुआ। पुलिस और सेना ने पूरा इलाका घेर लिया है। इसके बाद एक एक करके 6 जगह बम धमाके हुए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आर विक्रमासिंघे ने आपात बैठक बुलाई है और कोलंबो शहर में सेना तैनात कर दी गई है। वहीं राष्ट्रपति सिरीसेना ने ट्वीट किया है कि साजिशकर्ता की पहचान के लिए जाँच हो रही है। श्रीलंका में स्कूल कॉलेज बंद कर पुलिस वालों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। श्रीलंका में 3 गिरजाघरों और 3 होटलों में करीब एक साथ हुए 6 विस्फोटों में 190 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि श्रीलंका के इतिहास में सबसे भयानक हमलों में से एक है। पुलिस प्रवक्ता रूबन गुनासेखरा ने बताया कि ये धमाके स्थानीय समय अनुसार 8:45 पर ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान कोलंबो के सेंट एंथनी पश्चिम तटीय शहर नेगोवे के सेंट सेबेस्टियन चर्च और बटिक लोबा के एक चर्च में हुआ। वहीं 3 अन्य विस्फोट 5 सितारा होटलों शंगरीला द सिनामोन ग्राउंड और द किंग्सबरी में हुआ। होटल में हुए विस्फोट में घायल विदेशी और स्थानीय लोगों को कोलंबो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीलंका के पुलिस मुख्य ने 10 दिन पहले किसी बड़े हमले का इंटेलिजेंस इनपुट दिया था। इनपुट में कहा गया था कि फिदाइन हमले देश के प्रमुख चर्चों को निशाना बना सकते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट में एक विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी इनपुट जोड़ा गया था और कहा गया था कि नेशनल तौहीद जमात नामक संगठन श्रीलंका के कुछ अहम गिरजाघरों को निशाना बनाने की फिराक में है। इस संगठन के निशाने पर कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त भी था। अब खबर देश की राजनीति से। गुजरात में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान पायलट अभिनंदन को वापस नहीं करता तो वो पाकिस्तान के लिए कत्ल की रात होती। पाटन में मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में पकड़े गए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाटन में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान पायलट वापस नहीं करता तो वह कत्ल की रात होती। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के उच्च पद पर बैठे ऐसे एक शख्स ने अपना बयान दिया था कि मोदी अब कुछ बड़ा कर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक साथ 12 मिसाइलें लगाई थी। अमेरिका ने कहा था कि अच्छा था कि पाकिस्तान ने पायलट वापस कर दिया, वरना वो रात कत्ल की रात होती। ये पायलट ऐसे ही वापस नहीं आया है, ये तो सरदार पटेल की जमीन का बेटा वहां बैठा है, इसीलिए वापस आया है। અને ત્યાં વાલા ફાટિયાર દરવાજે નાગર લીમડી માર બધા એ દૂધરી ચકચકતી બરડી લઈને દૂધ ભરવા જતા હતા। હવે તો ડેરીઓ આવી એટલે કદાચ દૂધ ભરવા વાળું થતું નહીં હોય, पर लोगों दूध खरीदवा त्या होता, लाइन लगा होता। पीएम मोदी का यह बयान उस घटना पर आधारित है जिसमें भारत की
एयर स्ट्राइक का जवाब देने आए पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पीछा करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सीमा पार चले गए थे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। उन्होंने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसी बीच उनका विंग बाइसन क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी बाकायदा पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चेतावनी दी थी। अब पीएम मोदी ने चुनावी रैली में इस मुद्दे को फिर से उठाया है। भोपाल के लोकसभा चुनाव पर देश भर की नजर है। भोपाल में बीजेपी के हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें दिग्विजय सिंह ने भोपाल के विकास का खाका खींचा है। वहीं बीजेपी ने इसे दिग्विजय सिंह का फेक पत्र कहा है। उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने लोकसभा क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। दिग्विजय सिंह समर्थक इसे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट मान रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है, भोपाल बनेगा टूरिस्ट हब, भोपाल में तुरंत हवाई सेवा, आसपास के बड़े शहरों को कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ने की प्लान, किसान सिटी, उत्कृष्ट शिक्षा, उत्तम रोजगार, सेफ कैपिटल और ताल सलामत तो भोपाल सलामत जैसी बातें की गई हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करे। इस पर बीजेपी उपाध्यक्ष प्रभाष झा का बयान आया और उन्होंने इसे फेक पत्र कहा। उन्होंने कहा, 10 साल में बंटाढर कर दिया, भोपाल की जनता इस फेक पत्र पर विश्वास नहीं करने वाली है। पत्र दृष्टि पत्र इसको बोलते हो आप, दृष्टि जब जाएगी नहीं, मिलेगी नहीं, तो पत्र क्या जारी करेंगे? और 20 साल का जारी किया है। जब 10 साल मुख्यमंत्री थे तो क्या भोपाल में वो रहने नहीं रहते थे? जब उस समय दृष्टि नहीं थी, क्या उस 10 साल में जब करने की स्थिति एज ए सीएम, एज ए मुख्यमंत्री क्या किया उन्होंने? क्यों उनका नाम उस समय बंटाढार पड़ा गया? इसलिए ये फेक पत्र है, ये दृष्टि पत्र नहीं है, फेक पत्र है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। हंसी खुशियन में जीएसटी लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात। लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुमने बंटा धार। अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। बड़े लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे। जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, हाँ बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात फिर शुरू करते हैं दिग्विजय सिंह से। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भोपाल लोकसभा सीट पर करीब 80,000 मतदाता फर्जी हो सकते हैं। फर्जी मतदाताओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव से शिकायत भी की है। कांग्रेस
कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल में फर्जी वोटर होने का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोविंदपुरा, नरेला व बैरसिया में सबसे ज्यादा मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। गौरतलब है कि इन तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। दिग्विजय सिंह के साथ द पॉलिटिकल डॉट इन के विकास जैन ने बताया कि भोपाल लोकसभा सीट पर 33,790 ऐसे मतदाता है जिनके एक ही घर में 2 से 3 बार नाम जोड़े गए हैं। यह नियम है कि एक ही घर में 10 से ज्यादा मतदाता हो तो उनकी जांच होनी चाहिए। इसी आधार पर जिन घरों में 20 से अधिक वोटर हैं उनकी सूची भी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। 20 से ज्यादा वोटर्स जिस घर में उनको लिया, ये हमारी सहायता और उसके बाद पाया कि गोविंदपुरा, नरेला और बैरसिया में 380, 270 और 306 क्रमशः ऐसे घर हैं जिसमें 20 से ज्यादा वोटर हैं और इनकी संख्या 46,660 होती है। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने यह डिटेल्स प्रस्तुत करते इस पर कार्रवाई करने की मांग। दिग्विजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि यदि आयोग को सौंपी गई सूची में डुप्लीकेट मतदाता के नाम पाए गए तो पोलिंग बूथ ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही ऐसे डुप्लीकेट मतदाता जो घरों में मौजूद नहीं है उनके परिवार वालों को मतदाता पर्ची न दी जाए, इसकी पर्ची देने की जिम्मेदारी भी बूथ के प्रोसीडिंग ऑफिसर को दी जाएगी। विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने 36 लाख फर्जी वोटर कैंसिल किए थे। 36 लाख यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने फर्जी वोटर भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने और बीएलओज ने फर्जी वोटर रजिस्टर कराए थे। जबकि फर्जी वोटर रजिस्टर कराना अपराधन जुर्म है, लेकिन उनके खिलाफ किसी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की सतर्कता के कारण प्रदेश से 36 लाख फर्जी वोटरों के नाम काटे गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन मतदाताओं के नाम भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने जुड़वाए थे। यह जुर्म होने के बावजूद भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दिग्विजय अपने किस्म की राजनीति कर रहे हैं तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस संभावित हार से बौखला गई है। कमलनाथ से प्रदेश की स्थिति संभल नहीं रही है और वो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस संभावित हार से बौखला गई है। कमलनाथ और कमलनाथ के मंत्री प्रदेश की स्थिति सुधारने में नाकाम हो रहे हैं। शिवराज ने कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, कुर्सी खाली करें। शिवराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्मचारियों को आतंकित कर रही है। कांग्रेस के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। सरकार ठीक से फसलों की खरीदी तक नहीं कर पा रही है। अगर कांग्रेस ठीक से सत्ता नहीं चला पा रही है तो कुर्सी खाली करें। यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी संभावित पराजय से बौखलाए हुए हैं। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, संभालना आ नहीं रहा, स्थिति संभल नहीं रही और कर्मचारियों पर लट चला रहे हैं। आउटसोर्स वालों को देख लेंगे, सारे के सारे निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त करेंगे। ये आतंकित करने की राजनीति यहाँ ये सरकार कर रही है। अगर नियंत्रण नहीं है काय पे, काय के लिए कुर्सी पे बैठे हो। अब बात भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। प्रज्ञा ठाकुर ने दोहराया कि मैं ढांचा तोड़ने अयोध्या गई थी, राम जी मेरे आदर्श हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं राम मंदिर बनाने भी जाऊंगी। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों से लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा अपनी बात पर अडिग हूँ, हम भव्य मंदिर बनाने जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या गई थी, राम जी हमारे आदर्श हैं। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं पलट रही, क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। बिल्कुल
आप पूर्ण आत्मबल आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ, ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साध्वी प्रज्ञा की चर्चा फिलहाल भोपाल में उनके विवादित बयानों के कारण हो रही है और लगता है कि जो रणनीति बीजेपी और संघ ने अपनाई थी ये सब उसी के कारण देखने को मिल रहा है। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, हंसी खुशी अन में, हंसी खुशी अन में जीएसटी लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात, लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, कटो तुमने बंटा धार, अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना, बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे, जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, हाँ बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में पनीर की मांग बढ़ जाती है, मुनाफाखोर मौके का फायदा उठाकर सिंथेटिक या नकली पनीर की सप्लाई शुरू कर देते हैं। मुखबिर की सूचना पर नौगांव से 35 क्विंटल अमानक पनीर जब्त किया गया है। छतरपुर के नौगांव पुलिस और फूड विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर एक ट्रक भर के नकली पनीर जब्त किया है। यह सिंथेटिक पनीर मुरैना से नौगांव होते हुए सतना ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर ट्रक को पकड़ा गया तो थर्माकोल के कार्टूनों में रखा 35 क्विंटल पनीर जब्त किया गया है। ट्रक चालक के पास पनीर के दस्तावेज तक नहीं मिले। जब्त पनीर की कीमत 5 लाख आंकी जा रही है। फूड विभाग की टीम पनीर जब्त कर उसकी जाँच कर रही है। पहली दृष्टि में ही यह पनीर सिंथेटिक नजर आ रहा है। मेरे द्वारा यहाँ पुलिस थाना नौगांव में उपस्थित होकर जिस ट्रक में पनीर जब्त किया गया था और पकड़ा गया है उसकी जांच की गई और उसमें पनीर की मात्रा लगभग 2 से 2.5 टन बताई गई है और मेरे द्वारा रैंडम बेस पर सैंपल जो है वो जब्त किए गए हैं पनीर के, इनको जांच के लिए राजस्थान पुलिस थाना को बात किया जाएगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई मिलावट से तो नियमानुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान वाहन से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। कार बैरागढ़ के एक व्यापारी की बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी के मद्देनजर सीहोर में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। सीहोर कोतवाली पुलिस द्वारा भोपाल इंदौर हाईवे टोल में एक फॉर्चुनर कार से लगभग 15,34,000 रुपए जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कार बैरागढ़ के व्यापारी महेश तोलानी की है। कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने कैश जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। छतरपुर में रेत अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने जिला प्रशासन एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए मौके से 18 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।
रेत उत्खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छतरपुर में आए दिनों अवैध रेत उत्खनन की घटनाएं बढ़ रही हैं। छतरपुर के नौगांव में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 18 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर प्रशासन को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद बड़ा मलहरा SDM और नौगांव SDM की मौजूदगी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरे ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अनुभागीय अधिकारी हैं वो बदल बदल के दूसरे अनुभागों में ड्यूटी लगाई थी। कल बड़ा मलहरा के अनुभागीय अधिकारी महोदय श्री चमादिया जी नौगांव में ड्यूटी थी, उनके द्वारा रात में ये अवैध उत्खनन की जांच की गई और ये जो अवैध परिवहन हो रहा था लगा इस पर जो ट्रैक्टर से परिवहन किया जा रहा था उनकी पकड़ रहना। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। हंसी खुशियन में GST लगाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। काले धन के 15 लाख खातों में ना आई रा, झूठी हो गई तुम्हारी बात। लड़का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाँ की सरकार, गटो तुमने बंटा धार। अब निवाला किसानन का खाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। बड़े लबरा हो बात बनाओ ना, ठग मास्टर देश बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। अच्छे दिन के तीर से लेकर जुमलों के हथियार चलेंगे, गली गली के चोर भी भैया खुद को चौकीदार कहेंगे। जनता पर है बढ़ता देखो तरह तरह का शुल्क, अरे जुमलों वाली बातें सारी बिल्कुल है निशुल्क, बिल्कुल है निशुल्क, हाँ बिल्कुल है निशुल्क। माहौल गर्म है चुनाव का, हिसाब लेंगे हर घाव का, लहर के कहर ने घोला था जहर, अब वक्त है बदलाव का। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर सागर से। भोपाल से BJP प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादित बयानों से मुसीबत में पड़ती नजर आ रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे की शहादत को शाप बताते हुए बयान दिया था, जिसके बाद सागर के कांग्रेस प्रवक्ता ने साध्वी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत की है। भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में हेमंत करकरे के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिससे लोगों ने उन पर कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू की, जिसके बाद सागर के मखरोनिया थाने में कांग्रेस प्रवक्ता वीरेन गौर ने भी साध्वी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। गौर ने पुलिस को साध्वी प्रज्ञा की लिखित शिकायत की है। संसदीय की जो प्रत्याशी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने भोपाल के एक आयोजित कार्यक्रम में हमारे शहीद वीर करकरे साहब पर बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाया। उन्होंने उनको देशद्रोही कह दिया और कहा कि हमने उनको श्राप दे दिया और 1.25 महीने में उनको हमारा श्राप सच भी हो गया। यह किसी साधु के द्वारा दिया गया ज्ञान अशोभनीय है। साधु संत और साधुओं का तो आशीर्वाद देने का काम होता है, पर इन्होंने एक ऐसा अपमानक काम किया है जिससे हमारी राष्ट्रीय भावना को आघात पहुंचा है। और आज हमने मकरोनिया थाने में जाकर साधु प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आवेदन दिया है। 26 अप्रैल को जबलपुर में होने वाली नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। BJP ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के दबाव में आकर जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे मोदी की सभा तय स्तर पर ना हो सके।
जबलपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी जहां सुरक्षा का हवाला देते हुए नरेंद्र मोदी की सभा स्थल का बदलाव चाह रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे एक सोची समझी साजिश करार दे रही है। शहीद स्मारक सभा स्थल को लेकर अनुमति न देने पर भाजपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी की मुख्य निर्वाचन आयोग से शिकायत कर उन्हें हटाने की मांग की है। भाजपा के लोकसभा प्रभारी प्रभात साहू ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदेश सरकार के दबाव में आकर ये सब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब एक सप्ताह पहले ही शहीद स्मारक स्थल का निरीक्षण हो चुका था, ट्रस्ट को सभा के लिए फीस भी दी जा चुकी थी, इसके बावजूद सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर सभा स्थल को बदलना ये सब दोषपूर्ण है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके द्वारा चिन्हित स्थानों में शहीद स्मारक ट्रस्ट के जो स्थान है वो बड़ी सभाओं के लिए आरक्षित है, तो यदि आपने बड़ी सभाओं के लिए आरक्षित किया था तो क्या आपने सुरक्षा की इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा था? और ध्यान में रखते हुए ही आपने स्थान चिन्हित किया था तो फिर आज ये सुरक्षा का प्रश्न कैसे आ गया? मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से आरोप है कि जो अक्षम अधिकारी एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो इस पूरे जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे, एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। लोकसभा प्रभारी साहू ने सभा स्थल को लेकर यह भी कहा कि जब किसी तरह का असमंजस था तो पहले दिन ही ये बातें सामने क्यों नहीं आईं? आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रही है। इधर भोपाल में भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिदाराम जी की कुटिया पर पहुंची, उनकी समाधि पर माथा टेका, जहां उन्होंने संत जी के शिष्यों से मुलाकात की और स्वामी जी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों की भी जानकारी दी। भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर संत हिरदाराम जी की समाधि स्थल पहुंची, जहां उन्होंने समाधि स्थल पर माथा टेका और संत जी के शिष्य सिद्ध भाऊ जी से मुलाकात की। सिद्ध भाऊ ने उन्हें स्वामी जी द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। प्रज्ञा ठाकुर से जब पत्रकारों ने बात करना चाही तो उन्होंने कहा, संत जी का आशीर्वाद लेने पहुंची हूँ, सब ठीक है। संत हिरदाराम जी की कुटिया पर संत नगर भाजपा महिला अध्यक्ष शीला समनानी सहित अन्य कई कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। गुना से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया इन दिनों अपने पति के प्रचार में व्यस्त हैं। पति के साथ जब वे मंच साझा कर रही थी तो उन्होंने बहुत ही राजनीतिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे इन दिनों अपने पति के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। ज्योतिरादित्य जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे तब वो गुना और शिवपुरी में पति के लिए वोट मांग रही थी। लंबे समय बाद पति पत्नी एक मंच पर नजर आए तो आंखों में बहुत सी बातें हुई। फिर क्या था, प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने एक कविता सुनाने की इजाजत चाही। ज्योतिरादित्य भी मंच पर मुस्कुराते हुए इसका मजा लेने लगे। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया बोली, हम अपने प्रिय सिंधिया जी से प्यार करते हैं, सूट बूट वाली सरकार से नहीं। चांदनी से चांद होती है, तारों से नहीं। हम अपने प्रिय सिंधिया जी से प्यार करते हैं, ये सूट बूट वाली सरकारों से नहीं। ये थी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, ग्वालियर रियासत की महारानी, जो अपने ही अंदाज में राजनीतिक कविता सुनाती हुई नजर आई हो। कविता में था पति के लिए छुपा हुआ प्रेम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज, आपके लिए है अब जर्जर भोपाली, वो आपको सुनाएंगे बैरेंट समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, बैरेंट समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, दूसरे चरण का है ना मतदान खत्म हो गया, बता रहे हूँ। उसके बाद तो ये खबरें आ रही है नोटेदार। और देखो, ये कल है भाजपा के नरसिम्हा राव जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो वहाँ पे किसी ने जूता लपक के फेंक दिया इनके ऊपर। बता नहीं कोई बाहर का है वो। मैं बता रही हूँ, ये कौन सी खुन्नस से निकालते रहते हैं लोग, चुनाव का टाइम ही निकालते हैं सब खुन्नस। और जूता तो मैं कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का है ना पाँचवा स्तंभ बनता जा रही है। वो पहले बुश के ऊपर ही फेंका था जूता, ये जूता। और जूते वाली कंपनियों वाले आए थे मेरे पास कल, और वो कह रहे थे कि भाई हमारी कंपनी का जूता फेंकवाओ, उससे प्रचार भी होगा। ऐसा तो चल ही है। और यह खबर और देख लो अभी लेटेस्ट, ये हार्दिक पटेल हैं जो इनके है ना कांग्रेस में शामिल हो गए, ये इनके वो ये मंच पे भाषण दे रहे थे, ये कहा है उनने रबट्टा सूद दिया इनके। हाँ बताओ, मैं मुझे लगा ये कांग्रेस के पंजे का प्रचार कर रही है। और बाद में पता लगा वो तो क्या है कि पाटीदार आंदोलन से है बहुत खफा था, बहुत उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, बोले इतने लोगों को मरवा दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, चुनाव का टाइम जूता फेंक और लपटे पट्टे खूब चलते हैं। और यह खबर और सुन लो, आज की ऐसी खबरें आ रही हैं, ये जो कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये आगरा में इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर दिया उन्होंने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने,
है ना, और उनके खिलाफ जो कार्यवाही करी थी वो निरस्त कर दी पार्टी ने। अब ये जो तन मन धन से लगा हुआ है, ये पार्टी की सेवा कर दी है, उसको कैसा लगेगा बताओ आप? ये उसके साथ ये सब व्यवहार होगा तो ये हर्ट तो होगा ना इसको। हाँ, ये तो खबरें आ रही है, महिलाओं का सम्मान करो मैं कह रहा हूँ, तभी अरे उद्धार होगा। और ये खबर और देखो बंगाल में, बंगाल के जो वो हैं सोमेन मित्रा, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोल दिया है कि ममता बनर्जी से है ना कोई गठबंधन नहीं होगा, ना चुनाव के बाद होगा ना पीएलए होगा, इनकी सरकार बनी तो हम तो ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। वो बता रहे हो बंगाल में बीजेपी और उनकी तृणमूल की चल रही है या कांग्रेस भी आ गई, तीनों अलग अलग लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बहुत कठिन पड़ने वाला है ममता बनर्जी को बंगाल में, बता रही हूँ। वो बता रहे हो चुनाव बढ़ाए में नेता ऐसे इमोशनल होने लगते हैं, बता रही। और भैया कल्याण ये खबर और सुन लो, ये प्रज्ञा भारती जो है भोपाल की प्रत्याशी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल हो गई है अपनी पुरानी यातनाओं को याद करते हुए। और बता रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात बता रही हूँ, ये चुनाव वाले टाइम पे है ना नेता लोग ऐसे इमोशनल होती हैं, आंसू बहाती हैं बहुत ज़्यादा, ये कई तो है ना गिलेसरीन लग के ले जाते हैं, और फिर यार गरीबों के सामने जाएंगे भैया वही ऐसे रोएंगे। मुझे असली कारण ये है कि उनको लगता है कि उनको कहते हैं भैया हमें जिता देना, नहीं तो हमारी भी तू अपनी ऐसी हालत कर दे चुनाव के बाद, ये हम भी यही पे रहना पड़े, ये ऐसा हो रहा है। और मैं भी भैया अब क्या है, मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी खबरें सुन के बहुत इमोशनल हो रही हूँ और जा रही हूँ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।